नाम है आपका? निखिल नाम है सर मेरा। अच्छा, आप उस दिन उनके साथ अविनाश के साथ ही थे, जी क्या कुछ सर, हुआ था पूरा जी मैं उसके बताइए। सामने ही था बिल्कुल। तो वो डांस वगैरह कर रहा था अपना, तो एक लड़का बीच में आया, बीच में आके तो उसको हम जानते नहीं थे, हम सारे देखने लगे ये लड़का कौन है, कहाँ से आया, क्योंकि कोई लड़का उसके साथ डांस नहीं कर रहा था अविनाश के साथ में। तो लड़का बीच में आया, उसकी पता नहीं कैसे हिम्मत हो गई, हमारे ग्रुप में घुस गया वो। तो आगे वो डांस वगैरह करने लगा, उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट डांस करा हम लोगों के साथ, तो वो दोबारा चला गया वहाँ से। फिर वो दोबारा आता है तो सीधा वो अविनाश के आगे पैर छूता है, तो हम सारे चिल्लाने लगे कि हमारे अविनाश भाई का पैर छू रहा है वो लड़का। तो अविनाश भाई खुश हुआ, अविनाश भाई ने एकदम से सबको पीछे कर दिया। जैसे ही वो अविनाश भाई पीछे हुआ, सबको पीछे वैसे करा, ऐसे अविनाश भाई ने ज़मीन पर पता नहीं क्या करा, उसके ना ज़मीन पर किसी ने गोली मार दी। तो हम सारे सोचने पड़ गए, हमें लगा कि किसी ने पटाखा फेंक दिया नीचे। तो हम सारे देखने गए नीचे की तरफ, और अविनाश भाई एकदम से झटका खा गया कि हमने ये क्या हो गया। फिर हमें अविनाश भाई अपनी शर्ट झाड़ने लगा ऐसे करके, हमें लगा कुछ पता नहीं क्या हो गया, बम बम फेंक दिया किसी ने उसके ऊपर। फिर उसने अपनी शर्ट उतारी, तब देखा उसके ब्लड निकल रहा था, तो उसने जब तक ब्लड यहाँ, उसने अपनी जल्दी शर्ट उतारी, उसकी शर्ट यहीं अटक गई। तो उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो शर्ट उतार दे अपनी। तो हमने देखा, हम भागते हुए गए, हमने उसकी शर्ट उतारी, देखा उसके बहुत तेज़ी से ब्लड निकल रहा था यहाँ से। तो हमने वहाँ पे कपड़ा वपड़ा रखा, उसके यहाँ पे रख के हम बहुत दूर तक लेके गए। वहाँ पे हमें पुलिस वाले मिले दो तीन, हमने सर इसकी मदद करो सर, इसके गोली लग गई है। वहाँ पुलिस वाला कोई भी हेल्प नहीं करा, सब पीछे हो गए, किसी ने भी मदद नहीं करी हमारी। तो हम फिर हमने वहाँ से अपने भागते हुए, हम दो लड़के फिर भागते हुए आगे गए, हमें एक जिप्सी मिली, मैंने सर हमारे भाई के गोली लग गई, आप सर प्लीज़ चलो वहाँ पे। उन्होंने कहा जिप्सी नहीं जाएगी सर, आप किसी और से मदद मांगो। फिर हमने कहा सर ऐसे थोड़ी ना होता, आप चलो प्लीज़, कह रहे हम चल देंगे, मैंने सर जब तक तो मर जाएगा वो। फिर हमने उसकी तरह ध्यान नहीं दिया, हम फिर और आगे चले गए। फिर हमें एक ऑटो मिला, वहाँ से हम ऑटो वाले को अंदर लेके आए, जब तक एक ऑल्टो वाले ने या डिजाइनर की गाड़ी थी तो उसने बिठाया उसको, तो वो लेके अब तक वहाँ पहुँचा। फिर हमने वहाँ मदद मांगी, फिर वहाँ पे हम हॉस्पिटल में लेके गए कौन सा उसको, हॉस्पिटल आप ले गए थे? ये राम मनोहर लोहिया कोई हॉस्पिटल था वहाँ पे पास में ही। तो हम वहाँ लेके गए, हमने मदद वदद मांगी उनसे, तो उन्होंने कहा चलो आप सारे बाहर जाओ, हम इनकी अभी देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि सीरियस है, फिर पता चली वो बचा ही नहीं थोड़ी देर बाद। तो वहां पे पुलिस आई तो उसने आगे क्या कार्रवाई की? सर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने वहाँ से देखा कि लड़का मर चुका है, तो उन्होंने हम सबको उठाया एक एक करके कि आप तीन, आप कब थे वहाँ पे, आप आइए वहाँ पे। हम तीन को बिठाया, तीनों को ले गए, मैं और गोलू था और एक अभिषेक नाम का लड़का था, उन तीनों को लेके चले गए। फिर उसके बाद हमसे वहाँ पे बयान वगैरह लिया गया हमारा, फिर हम वहीं बैठे पूरी रात, पूरी सुबह वहीं थे हम। तो अब तक की कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं है? नहीं सर, हमारा भाई मर गया, हम कैसे खुश होंगे सर, हमें वो लड़का चाहिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जिसने कराया ये काम। सर एक्चुअली मैं उस दिन गया नहीं था उसके साथ फेस्टिवल में, ये हमारा एक फेस्टिवल होता है। तो जब मैं अपनी ड्यूटी से घर पहुंचा तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के पास मेरे पास कॉल आया इन्हीं के एक ग्रुप के लड़के का कि भाई आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, और आपके भाई को अविनाश को गोली लग गई है। तो फिर मैं तुरंत वहाँ से आधे घंटे में अपना कन्वेंस करके वहाँ पहुँचा। तो मैंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे काफ़ी फोर्स लगी हुई थी, और मैंने जाने के अंदर कोशिश की, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। जब मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं लड़के का भाई हूँ तो तब उन्होंने मुझे जाने दिया। तो मेरे भाई में कुछ नहीं था, डेड हो चुका था वो उस समय। क्या कुछ घटना हुई थी आपको, इसके बारे में क्या जानकारी मिली? घटना सिर्फ इतना ही, मुझे इन लोगों से यही पता लगा कि घटना यही हुई थी कि वो डांस वांस कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई लड़का वगैरह आया होगा उनसे डांस करने के लिए, उनसे कुछ उनकी होगी होगी झड़प, तो उस वजह से उस लड़का अपना ग्रुप लेकर आया 3 4 लड़कों में, जो वीडियो में दिखाया गया मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो उसने फिर गोली चला दी अपने ग्रुप में से, और उसमें बकायदा वीडियो में दिखाया भी हुआ है, और हमने वो वीडियो प्रोवाइड भी करवाई पुलिस वालों को, बट अब तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है जिनसे हमें तसल्ली हो सके। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे न्याय यही चाहते हैं चाहते या फिर? हैं, न्याय चाहते हैं हम अपना, बस यही चाहते हैं कि अब हमारा तो गया, पर तसल्ली दिल को ये होगी कि वो लड़का अगर पकड़ा जाए उसको सज़ा हो जाए सख्त से सख्त।